नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। उत्तर प्रदेश के डीजीपी ओपी सिंह ने रिटायरमेंट के दौरान उत्तर प्रदेश पुलिस को बधाई देते हुए कहा कि राम मंदिर के मामले में निर्णय आने के बाद, साथ ही साथ धारा 370 के खत्म होने के बाद और उसके पश्चात CAA NRC को लेकर होने वाले विरोध और समर्थन में प्रदर्शनों के दौरान भी उत्तर प्रदेश पुलिस ने बहुत ही सम्मानजनक कार्य व्यवहार प्रदर्शित किया है। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पिछले 2 वर्षों में उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा जनता की सुरक्षा को लेकर के कई अहम निर्णय किए गए और जनता को यह विश्वास दिलाया गया कि उत्तर प्रदेश पुलिस उनकी सुरक्षा में सदैव तत्पर है। अधिक जानकारी के लिए बने रहिए द खबरदार न्यूज के साथ। नमस्कार, धन्यवाद। साथियों, आगामी 31 जनवरी को मैं उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रमुख के रूप में अपना कार्यकाल पूरा करने जा रहा हूं। विश्व के विशालतम पुलिस बल का प्रमुख बनने का जो सम्मान मुझे प्राप्त हुआ है, मैंने प्रत्येक क्षण उसके गौरव को बढ़ाने की कोशिश की है। आप सभी ने लगातार पूर्ण मनोयोग एवं कर्तव्यनिष्ठा से मेरा साथ दिया है। पिछले 2 वर्षों में कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए मैं आप सभी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। साथियों, विगत 2 वर्षों में हमने कानून व्यवस्था एवं अपराधों की रोकथाम हेतु उल्लेखनीय कार्य किए हैं। चाहे वह भव्य कुंभ का आयोजन हो या अयोध्या प्रकरण में माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के समय आपकी सजगता हो अथवा निर्वाचनों में सुरक्षा व्यवस्था की बात हो, हमारे कार्य एवं आचरण की प्रशंसा पूरे विश्व में हुई है। अपराधों के शमन में भी हमने आम धारणा के विपरीत उल्लेखनीय कार्य किए हैं। सामान्य धारणा यह रही है कि जनसंख्या वृद्धि के साथ हत्या, लूट, डकैती जैसे अपराधों में वृद्धि होती है। इसे झुठलाते हुए आपने अथक परिश्रम से अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की है, जिसके फलस्वरूप इन महत्वपूर्ण अपराधों में भी भारी कमी आई है। अब महिलाएं एवं वृद्ध खुद को अधिक सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। यह सब आप सभी के अथक परिश्रम के बगैर संभव नहीं था। पुलिस परिवार की बेहतरी के लिए सब्सिडरी कैंटीन एवं CGHS दर पर चिकित्सा सुविधा के साथ सभी के लिए आवासीय योजना पर भी कार्य किया गया है। जनपद लखनऊ एवं गौतम बुद्ध नगर में पुलिस आयुक्त प्रणाली हमारी उपलब्धि है, परंतु यह एक चुनौती भी है। हम सभी को आने वाली चुनौतियों का सामना करते हुए बहुत सफल होना है। साथियों, हमें अभी बहुत आगे जाना है। तकनीकी का प्रयोग हो अथवा बीट व्यवस्था, हमें परंपरागत व्यवस्था के साथ आधुनिक तरीकों को अपनाते हुए आगे बढ़ना है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। पुनः मैं आप सभी को आपके बहुमूल्य सहयोग के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूं। आप एवं आपका परिवार सुखी एवं स्वस्थ रहें, उत्तरोत्तर प्रगति करें। आप सभी को मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। द खबरदार हिंदी न्यूज चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।